ट्रेडर्स एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे, MIS कर देंगे एक लॉट और ये मार्केट पे शॉर्ट कर देंगे 501, 426 का प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेडर्स ट्रेड खत्म हो जाए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या लॉजिक है। ट्रेडर्स अराउंड 1600 1700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मेरे ट्रेड लेते ही देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अराउंड 3:10 पे मैंने ट्रेड ली हुई है। अभी देखिए 10:04, 1 मिनट के अंदर कंप्लीटली फॉल, 2000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर। टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मुझे पता है मुझे कहाँ लगाना है। 2700 के आसपास प्रॉफिट अभी तक मैंने लगाया नहीं है यहाँ पर, टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ कहाँ निकालूंगा मैं इसको, कहाँ मैं अपना टारगेट लगाने वाला हूँ। ट्रेडर्स अराउंड 3500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। आई एम वेटिंग फॉर मोर डाउन साइड 3800 के आसपास। मैंने अभी तक टारगेट नहीं लगाया हुआ है। टारगेट एक्चुअली में जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो था स्पॉट के हिसाब से 357। मैं वेट कर रहा हूँ और डाउन साइड फॉल के लिए। मार्केट पैनिक में है, कम्प्लीटली पैनिक में है, तो मैं उसी का बेनिफिट उठा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको एग्जैक्टली अपडेट कर दूंगा कि मैं कहाँ टारगेट लगा रहा हूँ। 287 के आसपास चल रहा है, अराउंड 4000 के आसपास प्रॉफिट बता रहा है ये सिंगल लॉट में। ऑलमोस्ट 10:03 पे ट्रेड लिया हुआ है एंड 10:18 हो रहा है, 15 मिनट हो चुके हैं इस ट्रेड में। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो इट इज अराउंड 5000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैंने यहाँ पर अपना टारगेट लगा दिया है 16,180 का एंड स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है मेरे रेट के 150 पॉइंट्स ऊपर। जर्नली अगर आप देखोगे, जर्नल डेज की अगर हम बात करें, तो ये टाइम पे मुझे अपने कॉस्ट के नीचे लेके आना जाना चाहिए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग वॉलीटिलिटी, और वॉलीटिलिटी मार्केट में एक्सट्रीम सुप्रीम लेवल पे है, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ रहा है मजबूरन। सो लेट्स सी, अराउंड 5200 के आसपास आया हुआ है, 231 चल रहा है, 227, 5600। मेरा टारगेट है 180 के आसपास, जो मेरा यहाँ पर इंटैक्ट है। जैसे ही ये ट्रिगर करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ क्या पैटर्न था, क्या लॉजिक था और मैंने आज क्या लॉजिक से मैंने ट्रेड किया हुआ है। स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये अराउंड 200 के आसपास आया हुआ है, 180 पे अपना टारगेट है। ये ट्रिगर कर दिया आई थिंक उसने, ट्रिगर कर दिया। एक बार इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, जीरोधा का भरोसा नहीं है। ये देखिए, ये फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हम, और पहले ये ऑर्डर को हम कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल कर दिया हमने ऑर्डर को, ये कैंसिल कर दिया हमने ऑर्डर को। बुक किया हुआ है 6426, देख लेंगे चार्ट्स के ऊपर क्या लॉजिक है। सबसे पहले एंट्री देखिए कौन से टाइम पे हुआ है। एंट्री हुआ है 10:03 के ऊपर। कहाँ है 10:03? ये देखिए, ये लेवल्स पे 10:03 की कैंडल। ये आपका हो गया ब्रेकडाउन प्लेन एंड सिंपल, और यहां पर आपकी एंट्री ये लेवल्स पे। ऑल राइट, यहां पर आपकी एंट्री हुई है। ट्रिगर स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ था अराउंड, आपने देखा 150 पॉइंट्स, दैट मींस अराउंड ये लेवल्स के आसपास आ रहा है टारगेट। अब टारगेट ना हमको 1 मिनट के ऊपर, ना 30 मिनट के ऊपर। ये एक सेकंड, अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पर स्टॉप लॉस ये जोन्स के हिसाब से मैंने लगाया हुआ था अराउंड 150, 3000 की रिस्क थी उसके अगेंस्ट में 6000 का अराउंड मेरा यहाँ पर 6426 के आसपास, 6426 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बैंक निफ्टी। अब टारगेट ना अपने पास 30 मिनट के ऊपर दिखेगा, ना डेली चार्ट के ऊपर। इसके लिए टारगेट के लिए मैंने यूज़ किया वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अराउंड ये लेवल्स के बाद, ये लेवल्स के बाद अराउंड यहाँ पर देखिए टारगेट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर टारगेट लगाया, 180 के आसपास बैठ रहा था टारगेट और मैंने 180 को यहाँ पर सेट कर दिया। हालांकि मुझे ये भी पता है कि इसके नीचे और जा सकता है, और लेट्स से कि मार्केट लोअर सर्किट भी लगा सकता है क्योंकि मार्केट बंद, लाइक आप बोल सकते हो महाराष्ट्र बंद हो रहा है, पूरा ऑलमोस्ट इंडिया लॉकडाउन है, बिजनेस सबके ठप लगे पड़े हैं। प्लस आप बोलेंगे इसमें
मार्केट को कोई वजह नहीं है ऊपर ओपन गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन करने के लिए। मेरा प्लान ऊपर लेवल्स पे ही शॉर्ट करने का था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अराउंड, मैंने ये अपने मेमोरी के लिए रखा हुआ है कि ये लेवल्स पे मैं सोच रहा था कि शॉर्ट करूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन ही जानबूझ के मैंने डाला हुआ है कि क्वांटिटी देखे क्या है क्या नहीं है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कंटेंट अच्छे मिले होंगे ट्रेडर्स। और ये चीज़ कहना चाहूँगा, कल कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है, जजमेंटल बन गए हैं, कल आपको नॉलेज नहीं है ऐसे वैसे लिख रहे हैं, तो मैं सिंपल बात कहना चाहूँगा ट्रेडर्स कि ऐसे लोग अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे अक्ल नहीं है, मुझे वीडियो बनाने नहीं आता, मुझे ट्रेडिंग करने नहीं आता, तो ट्रेडर्स देखिए मैं ऐसा ही ट्रेडर हूँ और ओपन हार्टेड ट्रेडर हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको अगर आदत लग चुकी है दूसरे यूट्यूबर्स की वजह से डेली प्रॉफिट देखने का, तो राइट हैंड साइड पे अनसब्सक्राइब बटन है, आप अनसब्सक्राइब करके चले जा सकते हो। सॉरी फॉर बींग हार्श, बट हकीकत हमेशा थोड़ी बहुत कड़वी होती है अगर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। देखिए कल का दिन जो था, मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट ट्रेड ली थी ये लेवल्स पे अराउंड, यहाँ पर आप बोल सकते हो आई थिंक मैंने ट्रेड ली हुई थी ये लेवल्स के आसपास। तो अगर मैं आप इसको ऐसा देखो तो किसी को आइडिया नहीं है कि इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। ओके, ये ट्रेंड क्लियर अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड का नहीं है। यहाँ पर जो ये पैटर्न है ये पॉजिटिव पैटर्न नहीं, किसी को नहीं पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। आपका ट्रेडिंग करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप बाइंग करोगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, ऊपर का टारगेट लगाओगे, ये आपका मकसद होना चाहिए। ना कि आप यहाँ पर मार्केट देख रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि वीडियो बकवास बनी हुई है ये वो। तो ट्रेडर्स देखिए, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो ये चैनल पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप इतने ही हुशार हो, मैं पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो काफ़ी वेयर्ड तरीके से जो पोर्ट्रे करते हैं, जब लॉस होता है वो लोग 100% कमेंट करेंगे और जब प्रॉफिट होता है, कुछ मिनट्स के अंदर प्रॉफिट होता है, पैटर्न एकदम परफेक्ट बैठता है, उन लोगों का ना लाइक आएगा ना ही उनके तरफ से अप्रिसिएशन आएगा। तो मैं पर्टिकुलरली उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं अगर देखिए आपका लॉस होता है, अगर आपको मुझे कंपेयर करना है कोई बड़े यूट्यूबर से, कोई मुझसे बड़ा सीनियर हो, कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड बंदा हो, तो मुझे कंपेयर मत करो, मैं यहाँ कुछ शोकेस करने नहीं आया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद जाके खुद चैनल बनाओ, खुद जाके वीडियोज अपलोड करो। अगर आप इतने ही होशियार हो कमेंट करने में, मुझे ज्ञान देने में, मुझे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ चीज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लिखते हो तो डेफिनेटली मैं उसको कंसीडर करूंगा। नो बडी इज परफेक्ट, ओके, बट आप जो तू तरह करके बकवास लिख के, आपके लिए तो बहुत इजी है ट्रेडर्स ये लिखना कि वीडियो बकवास है ये वो। ट्रस्ट मी, जब हम ट्रेड करते हैं और वो टाइम पे लाइव मार्केट चलता है, एक एक चीज रिकॉर्ड करना, एक एक चीज ये करना, कंटिन्यूस गर्मी के अंदर बैठना और एक चीज मिस हो जाए तो उसको फिर दोबारा 10 बार बोलना उस चीज को, ये चीज इतना आसान नहीं है जितना आप करते हो, आप जितना आपको लगता है कि हाँ वीडियो बना दिया बस अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होता है ट्रेडर्स। एक दिन अगर आपको ऐसा है तो एक बार आप करके देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो से कंटेंट अच्छे मिले होंगे और हेटर्स को स्ट्रांग मैसेज मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।